हादसा, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क से नीचे लूट की यात्रियों से भरी निजी बस, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यूल आर्मी गेट के साथ लगते आर्मी गोल्फ ग्राउंड के पास कांगड़ा से वाया धुलू धर्मशाला जा रही निजी बस बाइक सवार को बचाने के लिए अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसे में 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को ECH में प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे के समय बस में करीब 20 यात्री सवार थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शोध में खुलासा, देवदार का तेल निकालने के बाद बेकार पानी से होगा त्वचा के रोगों का उपचार। देवदार का तेल निकालने के बाद निकले बेकार पानी से त्वचा के रोगों का इलाज होगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उद्यमी सुरेंद्र मोहनी IHBT पालमपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर CM स्टार्टअप योजना में देवदार के प्राकृतिक तेल से दवा तैयार की है। इसे नेचुरल हाइड्रोसोल सिडार के नाम से जाना जाता है। ये हाइड्रोसोल रोगाणुनाशक, फफूंद नाशक, एलर्जी नाशक, सूजन दूर करने, पुराना दर्द मिटाने और गठिया दर्द को दूर भगाने का काम करेगा। विधानसभा बजट सत्र, फसल बीमा योजनाओं के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी, सदन में गूंजा मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के बाद गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के उपलक्ष्य पर बीमा कंपनियों की धोखाधड़ी का मामला प्रमुखता से उठा। किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह, जोबर कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर, रोहट के विधायक मोहनलाल और रामपुर के विधायक नंदलाल ने सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखे निशाने साधे। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने भी फसलों का सही मुआवजा नहीं देने का मामला उठाया। सेब के पेड़ों को बर्फ गिरने से बहुत नुकसान हुआ है। टीम एक साल बाद आकर अगर रिपोर्ट दिल्ली में बना रही है तो ये सही नहीं है। पंजाब चुनाव, आम आदमी पार्टी की जीत पर शिमला में भी जश्न झूमे कार्यकर्ता, बाटी मिठाई। पंजाब में सभी विधानसभा सीटों के रुझान आ गए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। शिमला में आम कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। शिमला में आप कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। शहर के शेर पंजाब के पास गुरुवार को आप नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप झूमते हुए जीत का जश्न मनाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता SS जोगटा ने कहा कि पंजाब में जीत की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।